आप सभी का स्वागत है कनक क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग नैतिक शिक्षा जो कि कक्षा 4 में पढ़ाई जाती है उसके पाठ 15 महावीर स्वामी इस पाठ पर चर्चा करेंगे और इस पाठ के एक एक लाइन को मैं पढ़कर समझाऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महावीर स्वामी हैं, आज इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, श्री महावीर स्वामी जैन मत के प्रवर्तक अर्थात चलाने वाले माने जाते हैं। देखिए, कई धर्म हैं, उनमें से कुछ धर्मों के बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, यानी जैन धर्म की शुरुआत जैन धर्म को चलाने वाले महावीर स्वामी जी ही माने जाते हैं। जैनी लोग उन्हें अपना 24वां तीर्थकर मानते हैं। जो लोग भी जैन धर्म को पालन करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वो लोग महावीर स्वामी जी को अपना 24वां तीर्थकर यानी 24वां गुरु मानते हैं। इनसे पहले भी 23 लोग 23 लोग इस धर्म के प्रचार प्रसार को करते रहे और महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म के लोगों की मान्यता है कि 23 तीर्थकर महावीर स्वामी से पूर्व जैन मत में हो चुके हैं और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हैं। ठीक है, उन लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी से पहले भी 23 जो तीर्थकर थे गुरु लोग, वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के थे। तीर्थ पुल को कहा जाता है। अब ये तीर्थकर शब्द आ रहा है बार बार बीच में, तो जो तीर्थकर में तीर्थ है, इस तीर्थ शब्द का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। देखते हैं ना, नदी के ऊपर से इस पार से उस पार तक ब्रिज चला जाता है और हम लोग ब्रिज के ऊपर से सारी व्हीकल सारी गाड़ियां आराम से चली जाती हैं बिना पानी में भीगे हुए। कठिनाई से पार किए जाने वाले नदी नाले पुल की सहायता से ही पार किए जाते हैं। अगर कोई नदी या नाला बहुत बड़ा है तो उसे पार करना मुश्किल होता है, इसीलिए उन पर पुल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, ताकि उसे आसानी से पार किया जा सके। यह संसार समुद्र के समान गहरा है। इसी तरह जिस तरह यह बड़े बड़े नदी नाले हैं जिनको पार करने के लिए हमें पुल की या ब्रिज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह यह संसार भी जो है बिल्कुल एक समुद्र के समान गहरा है। संसार के नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए इसे भव सागर भी कहते हैं। इसीलिए संसार को भव सागर यानी माया जाल भी कहते हैं। बहुत इस संसार में बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं, दुख भी हैं। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, सुख भी है, लेकिन दुख और कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम माया में फंस जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जो हमारा सच्चा कर्तव्य है, जो हमारा सच्चा कर्म है, उसको हम भूल कर जो है दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। संतों ने कहा भी है कि यह जो संसार है वो दुखों का सागर है। यह संसार दुखों का सागर है। अगर हमको सुख चाहिए तो हमें किसी न किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसे पार करने में जिन महानुभावों के उपदेश सहायक हैं वे बहुत सागर के तीर्थ हैं। जब हम किसी गुरु की शरण में चल जाते हैं, किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, जिसकी भी हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं, तो उन महानुभावों के जो उपदेश हैं वही इस भव सागर से, इस माया जाल से हमें पार करने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल
उसी ब्रिज की तरह जैसे एक पुल नदी को पार करने में सहायता करता है। महापुरुषों की संगति साधारण व्यक्ति के जीवन को भी चमका देती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी महापुरुषों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ उठने बैठने लगता है, उनकी बातें सुनने लगता है, तो वह एक साधारण जीवन के भी व्यक्ति के जीवन को भी अच्छा बना देती है। जिस प्रकार चुंबक के पास अगर लोहे को रख दिया जाए तो धीरे धीरे कुछ दिन में उस चुंबक का गुण उस लोहे में भी आ जाता है। वह लोहा भी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसी तरह महापुरुषों की संगति भी इतनी प्रभावपूर्ण होती है कि उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं महान बनता है अपितु दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन जाता है। जैसे चुंबक के पास अगर लोहे को कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है, वह भी छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने लगता है। इसी प्रकार यदि हम महापुरुषों की संगति में रहें तो महापुरुषों की संगति में रहने से, उनके संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ति में न केवल उसमें महान बनने का गुण आ जाता है बल्कि वह दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने का काम करने लगता है। दुखों के इस संसार को स्वयं पार करने के साथ साथ वह दूसरों को भी पार कराने लग जाता है, तीर्थ बन जाता है और दुखों के इस समुंदर को वह खुद तो पार कर ही लेता है, साथ ही साथ न जाने कितने और लोगों को इस भव सागर से, इस माया जाल से पार करा देता है, उनका भी उद्धार करा देता है। इसीलिए वह तीर्थ बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, पुल बन जाता है। ठीक है, तीर्थ और तीर्थकर में वही अंतर है जो कार्य और कारण में है। अब तीर्थ और तीर्थकर क्या है वो समझा रहा। तीर्थ तो समझ गए हम कि किसी को भव सागर से पार लगाना ही तीर्थ है। तीर्थकर अपने आचरण की महिमा से अपने आयुओं में बहुत समझ रहे हैं। जो तीर्थकर होते हैं ना, अपने आयुओं में से बहुत से तीर्थ पैदा कर देते हैं। जैसे एक टीचर के क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, सभी बच्चों को टीचर एक समान रूप से पढ़ाते हैं। जैसे मैं ही अगर कहूँ आपको, सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सभी बच्चों के लिए जो बात मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए एक समान रूप से बता रहा हूँ। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे होंगे जो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कुछ होंगे जो थोड़े कम मन से देखेंगे और कुछ होंगे कि देखेंगे ही नहीं। तो अब यहीं से अंतर हो गया। जो बच्चे वीडियो को या जो चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुनते और देखते हैं तो वो बच्चों का नॉलेज बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे उनका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे। और जिन बच्चों ने वीडियो देखा ही नहीं ये सोच कर कि हम तो बुक से पढ़ ही ले रहे हैं, हमको तो सब कुछ आता ही है, तो उस बच्चे ने जब वीडियो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो अब उसके दिमाग में बातें गई ही नहीं। जब बातें ही नहीं गई तो उसके दिमाग में रुकेंगी नहीं बातें, पहुँचेंगी नहीं बातें, तो इनका प्रयोग अपने जीवन में कैसे करेगा। इसीलिए बच्चों, जो बच्चा उस बात को ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो अब ये सारी बातें उसके जीवन में काम आएंगी और वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इसी तरह जो तीर्थकर होते हैं और तीर्थकर के जो तीर्थकर यानी गुरु और गुरु के संपर्क में जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उसको मानने वाले हैं, उसको सुनने वाले हैं, वो तीर्थकर उन्हीं में से कई नए नए तीर्थ बना देता है, कई नए नए बच्चों को इतना ज्ञान दे देता है कि वह बच्चे भी दुनिया भर में अपना ज्ञान फैलाने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि एक तीर्थकर जो है वो नए नए तीर्थ पैदा कर देता है, नए नए जो है लोगों को ज्ञान प्रदान कर देता है और वो ज्ञानी लोग जो है पूरे संसार में फैलकर प्रचार प्रसार करते हैं। तो महावीर स्वामी भी ऐसे ही तीर्थकर थे, ऐसे ही गुरु थे। भ
भारत भूमि पर महावीर स्वामी का अवतरण आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 का मतलब 2500 ईयर पहले हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। उनकी जन्म तिथि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। उनके पिता वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, वैशाली के राजा थे सिद्धार्थ उनके पिता और माता का नाम त्रिशला था। जन्म स्थान उनका कुंड ग्राम था, जो कि आज कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। जैन मतावलंबियों के अनुसार, जैन के धर्म के बारे में जो लोग बताते हैं उनके अनुसार, वर्धमान को ही महावीर नाम उनकी विरोचित बाल लीलाओं के कारण मिला। दरअसल जो राजा सिद्धार्थ के बेटे वर्धमान थे, उन्होंने ही उनके जीवन में उन्होंने कई ऐसे बाल लीलाएँ की जिनके आधार पर उनका नाम महावीर रख दिया गया। वे निर्भय और सहानुभूतिशील थे। वो बिल्कुल निर्भीक थे, डरने वालों में से नहीं थे, और सहानुभूति यानी सबके साथ सहानुभूति रखते थे, अच्छी भावना रखते थे। एक बार उनके पास एक भयंकर सांप आ गया, उसे भी उन्होंने मारा नहीं। एक भयंकर सांप उनके पास आया तो भी उन्होंने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे उठाया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। मतलब कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाती थी, वह जो है क्रोधित नहीं होते थे और ठंडे दिमाग से हर बात का वह जवाब देते थे और हर परेशानी को वो दूर करते थे। इस घटना के बाद से ही वे महावीर कहलाने लगे, क्योंकि उनके मन में दया की भावना थी और वह डरते नहीं थे किसी से। गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए समरवीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह हुआ। समय के साथ सुदर्शना नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ, किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा रहा। लेकिन विवाहित होने के बाद भी यह संसार के माया में लिप्त नहीं हुए, यह हमेशा तपस्या में ही लीन रहना पसंद करते थे, चिंतन करना ही पसंद करते थे। महावीर जी मातृभक्त थे। महावीर जी अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। वे घर छोड़कर विरक्ति के पद पर जाना चाहते थे, परंतु माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा। वह विरक्ति का मतलब होता है वह सब घर बार छोड़कर शांति की खोज में, एकांत में जाना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें जाने नहीं देती थी। यह सुनकर महावीर मौन हो गए। यह जब माँ ने कहा कि नहीं बेटे आप मत जाओ, आपके जाने से मुझे दुख होगा, तो महावीर स्वामी शांत हो गए और शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन माता के देहांत के बाद, जब उनकी माँ का देहांत हो गया, तो उन्होंने भाई से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। भाई से उन्होंने कहा कि भैया मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। भाई का उत्तर था, माँ का असह वियोग मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है, अतः तुम्हारा जाना उचित नहीं है मेरे भाई। अभी अभी तो माता की मृत्यु हुई है, इतना बड़ा दुख खुद ही मेरे ऊपर आया हुआ है, और ऐसे में तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, यह उचित नहीं है, तुम रुको, मेरा साथ दो। महावीर ने फिर 2 वर्ष तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। भाई ने जब ऐसा कहा तो महावीर स्वामी फिर 2 वर्ष तक बिल्कुल शांत रहे और घर के कामकाज में लगे रहे, किंतु वह शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। इतना भाई के कहने के कारण वो महल में तो रह रहे थे, लेकिन उनका जो शरीर था केवल वही महल में था, उनका मन तो कब का एकांत में जा चुका था, जंगल में जाकर रहना चाहता था। भाई नांदीवर्धन
जान गया कि महावीर हमें पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं। जो भाई थे उनके नंदीवर्धन, वह समझ चुके थे कि महावीर का मन यहाँ नहीं लग रहा है और ये एकांत में जाकर तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए रुक जाते हैं ताकि हम लोगों को दुख न हो। आखिर भाई ने कहा, वर्धमान तुम घर में रहकर भी न रहने जैसे हो, अतः वही करो जो तुम चाहते हो। वर्धमान तुम घर में तो हो लेकिन घर में रहकर भी नहीं हो ऐसा लगता है, तो मेरे भाई जो तुम चाहते हो वही तुम करो, मैं तुम्हें दबाव नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूंगा। अब महावीर स्वामी सन्यासी हो गए, वे सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अर्थात देह के भान से रहित हो गए थे। जब देह ही नहीं तो नग्नता का भान ही कहाँ रह सकता था। महावीर स्वामी बिल्कुल सन्यासी हो गए थे और वह भक्त बिल्कुल लीन हो गए थे, तपस्या में बिल्कुल खो गए थे। और ऐसे में जब कोई बिल्कुल लीन हो जाता है, अपना जो है एकांत अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे विदेह अवस्था उन्होंने प्राप्त कर लिया था। विदेह अवस्था में शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भान नहीं रहता, एहसास नहीं रहता है। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना की अवस्था में रहे। इस समय वह प्रायः बस्तियों से बाहर सूने खंडरों में, शमशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे ही प्रायः मौन रहते थे। घर से निकलने के बाद वह लगभग 12.5 वर्षों तक घोर तपस्या किए, साधना किए, और इस दौरान वह मतलब खंडहर जहाँ होते थे, शमशान भूमियों पर और पेड़ों के नीचे ही बैठकर रहकर चिंतन करते थे और तपस्या करते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। एक बार तो वे 16 दिन तक ध्यान में लीन रह गए थे। 16 डेज तक उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं, ध्यान में डूबे रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तपस्या करते रहे। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका प्रमुख सिद्धांत स्याद्याद है, अर्थात दूसरों का मत भी सत्य हो सकता है। महावीर स्वामी हमेशा अहिंसा का साथ देते थे और उनका मानना था कि केवल मेरे द्वारा बोली गई बात सही नहीं हो सकती, कोई दूसरा भी अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी सच हो सकती है। तो उनके सिद्धांत का नाम था स्वायद्वाद, स्वायद्वाद। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना भी हिंसा ही है। अगर केवल आप ये कहते हैं कि मेरे द्वारा कही गई बात ही सच है और दूसरे की बात को आप सुनना भी नहीं पसंद करते, तो यह भी एक तरह का हिंसा है। हिंसा का मतलब होता है अत्याचार करना, किसी के ऊपर हाथ उठाना। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया है जिसमें हिंसा न हो, मतलब बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे महावीर स्वामी। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य निष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। महावीर स्वामी का जीवन हमें हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, अहिंसा के लिए प्रेरित करता है, और शुद्ध विचार हो आपके, शुद्ध व्यवहार हो, शुद्ध भोजन हो आपका, इस चीज के लिए प्रेरित करता है। तो हम लोगों को महावीर स्वामी के जीवन से प्रेरित होकर अपना जीवन भी उद्धार करना चाहिए। अब देखिए प्रश्नोत्तर भी दिया हुआ है, इसका प्रश्नोत्तर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी मैं नया वीडियो कुछ भी बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, तीर्थकर किसे कहते हैं?
तो अभी मैंने बताया था कि तीर्थकर अपने आचरण की महिमा से अपने अनुयायियों में से बहुत से तीर्थ पैदा कर देते हैं। तीर्थ का मतलब ऐसे लोग जो समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे लोगों को वो तैयार करते हैं तीर्थकर। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो हम सब ने पढ़ा अभी अभी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, उनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, और वो जहाँ जन्म हुआ था उनका उस स्थान का नाम कुंडग्राम था। महावीर स्वामी की जन्म तिथि क्या थी भाई? तो महावीर स्वामी की जन्म तिथि बताया मैंने, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थी, इसी दिन इनका जन्म हुआ था। वैरागी होते हुए भी महावीर स्वामी अनेक वर्षों तक घर क्यों नहीं छोड़ सके थे? क्या कारण था कि वो घर छोड़कर नहीं जा पाए? तो अपने माता और अपने बड़े भाई के प्रेम में और उनकी आज्ञा का पालन करने के कारण वह अपना घर न छोड़ सके। महावीर स्वामी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महावीर स्वामी के जीवन से हमें सत्य निष्ठा, अहिंसा की साधना, आहार विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, जब अन्य गुण साथ छोड़ जाते हैं तब अध्यवसाय यानी निरंतर अपने कार्य पर अड़े रहना आगे बढ़ाता है और व्यक्ति को विजयी बनाता है। मतलब इस बात से एक बात ही क्लियर हो रही है कि अगर हम लोग अपना कर्म ईमानदारी से करते रहें तो हम निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा विकास होगा, हमारी तरक्की होती रहेगी। अब अपना कर्म, जैसे मेरा कर्म है आपको शिक्षा देना, पढ़ाना, और आपका कर्म है जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनना और याद करना। तो अगर हम लोग अपना कर्म ईमानदारी से करते रहेंगे तो हम सब जीवन में अपने आगे बढ़ते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।